चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं फलक शेख, आइए नजर डालते हैं आज कुछ खास। भिवंडी, श्री विकास एस निकम साहब ने संभाला सभा गृह नेता का भार। आरपीआई के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री विकास निकम साहब ने भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में संभाला सभा गृह नेता का पदभार। आपको बता दें कि मनपा के बजट सत्र से पहले मनपा महापौर प्रतिभा विलास पाटिल ने एक बैठक का आयोजन कर नाम जारी किया था। आज श्री विकास एस निकम साहब ने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। महापौर प्रतिभा विलास पाटिल जी ने सभा गृह नेता के कार्यालय का रिबन काटा। इस मौके पर श्री विकास एस निकम साहब ने अपना पदभार संभाला। इस विशेष मौके पर सभी कार्यकर्ताओं व नगर सेवकों ने विकास निकम साहब का फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से आरपीआई के महाराष्ट्र प्रदेश युवा अध्यक्ष श्री भैया साहब इंद्र से, भिवंडी मनपा की महापौर प्रतिभा विलास पाटिल, कुडाल विकास अकाली के गट नेता विलास पाटिल, नगर सेवक मदन कुमार नाइक, नगर सेवक शरद नामदेव धुले, नगर सेवक राम पाटिल, नगर सेवक उत्तम खर्जे, आरपीआई के भिवंडी जिला अध्यक्ष बादशाह भाई शेख, उपाध्यक्ष इसरार खान, संगठन अध्यक्ष रवि चौहान, वीएन ग्रुप के अध्यक्ष संदीप वाणी, समाज सेवी रवि उपार, महासचिव नितिन तांबे, वार्ड अध्यक्ष मनोज गुप्ता, विलास पांचाल, रमेश निकम, सोनू निकम, छोटू गुप्ता, स्वामी भाई, अशोक गायकवाड़, अरविंद खाने, विलास अनूप चौरसिया व अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भिवंडी शहर हमारे महानगर पालिका के नवनिर्वाचित विकास निकम साहब, आज उनको सभापति का पद हम लोगों ने दिया। एक अच्छा, हम लोग ने आगे जो श्याम अग्रवाल साहब को दिया था, फिर कामिनी पाटिल को दिया था, एक अच्छा सब पार्टी के हिसाब से हम लोग ने उनको दिया था, लेकिन उन कुछ कारणों की वजह से या जो आप लोगों को मालूम है जो बातें हुई है, तो उस वजह से हम लोग ने कामिनी पाटिल को दिया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो ये सभा गृह जो पद है वो रिक्त था, तो हम एक अच्छे आदमी को सोच के समझ के, और विकास निगम साहब हमारे हमेशा महानगर पालिका में एक अच्छा नेतृत्व रखते हैं, तो ऐसे आदमी को देना हम लोग ने एक अच्छा निर्णय लिया और उनको ये पद हम लोग ने दिया। कोणार्क आघाड़ी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, भिवंडी महानगर पालिका के नगर सेवक जिनको आज सभागृह नेता बनाया गया है, आज विलास पाटिल जी और भिवंडी महानगर पालिका के महापौर प्रतिभा पाटिल जी, इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे चल के निकम साहब से यही विश्वास, यही उम्मीद रखता हूँ कि भिवंडी महानगर पालिका शहर के और नागरिकों को अपने इस पद से जैसे भी हो न्याय देने का काम करें, यही उनसे विनती करता हूँ। मैं पहले तो हमारे महापौर मैडम सब प्रतिभा विलास पाटिल मैडम, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पार्टी के आदरणीय नेता आदरणीय नाना साहब पिंडी से यहाँ पे आए हुए हमारे युवा नेता भैया साहब, परिषद साहब, हमारे गट नेता पाटिल साहब, युवा साहब, हमारे पार्टी के नगर अध्यक्ष शरद जी, राम जी, यहाँ पे सभी आए हुए का मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। माननीय महापौर मैडम, इन्होंने जो मेरे ऊपर विश्वास रखा है और मुझे जो सभागृह नेता का पद दिया है, मैं इस पद की गरिमा रखूँगा। भिवंडी महानगर पालिका में जो ये काम रहेगा, जैसे कि मैडम ने बताया, मैं आज तक सही दिल से और कायदे से काम करते आया हूँ, और इस पद देने के कारण मैं इस पद की गरिमा रख के अच्छे से काम करूंगा। आने वाले दिनों में भिवंडी शहर में एक अच्छा काम करने का मुझे जो मौका दिया है,